Hello, at joe the doctors use stethoscope to hear the sounds produced during each cardiac cycle. The second sound is heart when option A ventricular walls vibrate due to pushing in the uh, in of blood from atria. Option B semilunar walls close down after the blood flow into the vessel from ventricles. Option C AV node receives signal from SA node, and option D AV walls open up. देखो क्वेश्चन में बोला है कि जो डॉक्टर है वो हार्ट साउंड को ठीक है हियर कर रहा है किसे यूज करके स्थैथोस्कोप को यूज करके ठीक है तो हमें बताना है कि सेकंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है देखो ईच कार्डिक साइकिल दैट इज ऑफ पॉइंट एट सेकेंड ठीक है और ईच कार्डिक साइकिल में टू हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है वन इज कॉल्ड लव एंड नदर वन इज कॉल्ड डब और लव साउंड कब प्रोड्यूस होगी तो देखो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइक स्पीड वोल्व है ठीक है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइक स्पीड वोल्व है दैट इज ऑल्सो नोन एज द मिट्रल वोल्व और जब ये वोल्व क्लोज होते हैं तो जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज फर्स्ट हार्ट साउंड एंड इट इज कॉल्ड लव लेकिन जब सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं तो जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज द डब मतलब जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ वॉल्व ठीक है ऑप्शन ए में लिखा है कि वेंट्रिकुलर वॉल्स वाइब्रेट करता है वाइब्रेट ड्यू टू पुशिंग इन द ब्लड ठीक है नहीं जब वेंट्रिकल से अगर आर्ट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है तो वहां पे जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा ठीक है सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज यस जब सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इन टू द वेल फ्रॉम द वेंट्रिकल्स जैसे ही वेंट्रिकल से ब्लड जाता है वेसल्स के अंदर तब सामिलर वॉल्व क्लोज होते हैं एंड दैट टाइम जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज द सेकेंड साउंड एंड वी कैन से दैट इज द डब साउंड ठीक है एवी नोड और एवी वॉल्स ओपन अप जब भी वॉल ओपन होते हैं तब साउंड प्रोड्यूस नहीं होता जब वॉल्व क्लोज होते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होगा सो हेयर ओनली बी इज द करेक्ट आंसर Best of luck!